वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1, चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक। हमें बताना है चेक करके फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि जो इक्वेशन आपको दी गई है वो एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानने की कंडीशन तो हमने आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बता चुकी है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वीडियो है वो पहले अपलोड हो चुका है, लिंक इन मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप लिंक में जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप देख सकते हैं इसका जो इंट्रो हैगा वीडियो का, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, वहां से आप सारे फंडे अपने क्लियर कर लेंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। आगे बढ़ते बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 बोली क्या है, x प्लस 1 की होल ऑफ होल स्क्वायर हाँ इज इक्वल्स टू 2 x प्लस 1 माइनस 3 2x प्लस 1 माइनस 3 ब्रैकेट के अंदर माइनस 3। अच्छा ब्रैकेट के अंदर माइनस, ऐसा है क्या? नहीं प्लस 1 नहीं है। अच्छा सिर्फ माइनस 3, ओके x माइनस 3। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, इसे सॉल्व करना है और सॉल्व कर बताओ क्या बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, है या नहीं है, ये आपको बताना है। कैसे बताओगे? x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस का 3। यहां पे लगाएंगे एक फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या लगाएंगे फॉर्मूला? a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहां पर ब्रैकेट में प्लस लगा हुआ है और इस होल स्क्वायर है, तो हम यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आप यहां पर अप्लाई कर दीजिए, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है 2, a का वैल्यू क्या है बच्चों? सर जो पहले लिखा है, b का वैल्यू क्या है 1। अच्छा 2 में x का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 2x, 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6, x स्क्वायर प्लस 1 2 में x का करेंगे 2x, 2x माइनस का 6, ये प्लस का 2x है और ये माइनस का 2x है, सॉरी ये प्लस का 2x है, ये भी प्लस का 2x है। जब इक्वल टू में, ध्यान से सीखा इस बात को, यहाँ 5x लिखा हुआ है इक्वल टू में और यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 5x लिखा हुआ है और यहाँ पे माइनस का 7 लिखा हुआ है। जब इक्वल टू में सेम साइन के नंबर होते हैं ना, देखो 5x भी प्लस का है, 5x इधर भी प्लस का है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? कैंसिल हो जाते हैं। यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगा रहे हैं, ये 2x भी प्लस का है, हियर हियर 2x विल बी प्लस, सो व्हाट, दिस विल बी कैंसिल आउट, आफ्टर दैट वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 6, एक्स स्क्वायर ये प्लस 1 इधर ही रहेगा, ये माइनस का 6 से इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का 6 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7। बताइए ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बताइए आप मुझे क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों है? द पावर ऑफ एक्स विल बी 2, एक्स की पावर 2 है, उसके बाद क्या है यहाँ पर एक कांस्टेंट नंबर हैगा, ठीक है, एक्स की पावर 2 के बाद कांस्टेंट टर्म है आपकी, दैट मींस ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तब लिख दोगे यहाँ पर यस। अच्छा ऐसा आंसर आपके दूसरी, अगर इक्वेशन नंबर 2 का भी आंसर ऐसा है, पावर 2 आ जाए एक्स की और यहाँ पर कोई नंबर आ जाए, कोई संख्या आ जाए, उस कंडीशन में भी आप क्या बोलोगे? हाँ ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है हमारा, उसके अंदर हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इज इक्वल टू माइनस का 2 इन ब्रैकेट और 3 माइनस एक्स है क्या? हाँ सर 3 माइनस एक्स है। इसे सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस में माइनस 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना होगा? माइनस का 6 होगा, माइनस माइनस प्लस 2 में एक्स का करेंगे तो कितना होगा? 2x होगा। अब ये कैंसिल मत कर देना,
मैं तो ये कैंसिल कर दूं, 2x और ये 2x, ये प्लस का 2x है, माइनस का 2x है। देखो x स्क्वायर माइनस का 2x, ये प्लस का 2x इधर आएगा तो किसका होगा, माइनस का होगा। ये माइनस का x 6 से इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा, सन्नाटा। ठीक है, अब देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 2x, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो माइनस का 4x, ऑल राइट, और प्लस का 6 इज इक्वल टू में 0, है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, अरे ये तो सर ये तो बन गई इक्वेशन, यस ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, क्या सिखाया था कॉन्सेप्ट में, x की पावर 2 हो फिर x की पावर 1 उसके बाद गरीब नंबर हो, तो हम बोलते हैं कि यस दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं साइड में रखा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप क्वेश्चन नंबर, ठीक है, हाँ इसको आप नोट डाउन कर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड पार्ट एक्सरसाइज 4.1 का हमने सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड से लेकर सेवन तक होमवर्क है, बिकॉज वो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, मुझे ऐसा ट्रस्ट है कि आप कर लोगे। अब हम इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में देखने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर लास्ट, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 इक्वल टू का निशान x माइनस 2 का होल क्यूब, क्या करेंगे, एक्स क्यूब को आपने उतारा लेफ्ट हैंड साइड में, साइड टर्म्स को आप एज इट इज उतार लोगे, है ना, इसको साइड टर्म्स को आप करोगे एज इट इज उतार लोगे। 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 बराबर का निशान, यहां लगाओ फॉर्मूला a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी ऑफ होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब, हाँ a क्यूब बोलो, प्लस b क्यूब, प्लस b क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी, प्लस 3 ए स्क्वायर बी माइनस 3 ए बी स्क्वायर, माइनस 3 ए बी स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूले की वीडियो पहले ही हमारे YouTube चैनल पर अपलोड हो चुकी है, क्लास 9th की सेशन में चैप्टर 2 जब हमने क्लास 9th को करवाएगा उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पॉलिनोमियल चैप्टर हमने करवाएगा वहां पर, तो सारे 10 के 10 फॉर्मूले लिखे हैं, वहां से देख लेना, ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। a का वैल्यू क्या है हमारा, x है, b का वैल्यू 2 है, a का क्यूब यानी कि x की पावर 3, b की क्यूब यानी कि 2 2 4 2 8, 3a स्क्वायर b, a का स्क्वायर यानी कि a का वैल्यू x है तो x का स्क्वायर, b का वैल्यू 2 है तो 2 का 2, ये x स्क्वायर समझ में आ रही थी का कहां से आया, a का वैल्यू क्या है हमारा x है तो x की पावर 2 यानी कि a का स्क्वायर यानी x की पावर 2 माइनस 3a स्क्वायर b, 3ab स्क्वायर, a हमारा वैल्यू, a का वैल्यू क्या है x है, a का वैल्यू x है हमारा और b का वैल्यू कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर, क्लियर ही बात, ये स्क्वायर कहां से आ गया। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, फिर से बताते हैं, x की पावर 3 प्लस का निशान, b का वैल्यू कितना है हमारा 2 है, फॉर्मूला क्या बोल रहा है 2 की पावर 3, अच्छे से बताते हैं, अब क्लियर है, प्लस का प्लस 3, a का वैल्यू क्या है हमारा x है तो x की पावर 2, ठीक है, इनटू b, b की वैल्यू कितनी है 2 है, माइनस 3, a का वैल्यू कितना है हमारा x है और b का वैल्यू हमारा 2 का स्क्वायर, x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 इज इक्वल टू में x की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 2 2 4 2 8, 3 2 6, 6x स्क्वायर का x स्क्वायर आपने उतार दिया, 3 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है बच्चों, सर 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4 3 सा कितना हो जाएगा बच्चों 12, तो यहां पर माइनस का निशान लगा दो, माइनस का निशान लगा दिया आपने, 3 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4 3 सा कितना हो गया बच्चों 12x। देखिए ये x की पावर 3 भी प्लस में है, ये x की पावर 3 भी प्लस में है, ये दोनों आपकी कैंसिल हो गई, यहां पर माइनस का 4x स्क्वायर
माइनस का एक्स प्लस का वन, ये प्लस का एट है इधर आके माइनस का एट हो जाएगा, ये प्लस का सिक्स है जब ये भारत से भूटान आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, अच्छा भूटान से भारत आएगा ये माइनस का ट्वेल्व है, यहाँ पे आके प्लस का ट्वेल्व एक्स हो जाएगा। भूटान में जाए आपके दुश्मन मेरे दुश्मन। माइनस का चार, देखो ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी आपकी एक्स स्क्वायर है और ये भी आपकी एक्स स्क्वायर है, इसके आगे भी माइनस लगा है, इसके आगे भी माइनस लगा है, माइनस का चार माइनस और माइनस प्लस, चार और छह दस, तो यहां पर क्या लिख देंगे दस बस प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है यहां पर भी माइनस है और ये प्लस है, माइनस का एक्स प्लस का एक्स प्लस माइनस माइनस, बारह में से एक एक्स कम कर दो ग्यारह, कितने एक्स बचेंगे ग्यारह एक्स बचेंगे, ठीक है और ये माइनस का एट आपने यहां लिख लिया इक्वल टू में जीरो का निशान लगा दिया, ठीक है तो हम बोल देंगे यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑलराइट, बाकी अदर क्वेश्चन टेलीग्राम सॉरी इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, ऑलराइट वहां पर आप अपने फोटोज और वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड से लेके सेवन तक आपने सॉल्व कराएगा उसका आप फोटो हमें भेज सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स इन इंस्टाग्राम। ऑलराइट, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पसंद करी वीडियो को सब्सक्राइब करम शेयरम करिष्यति, ऑलराइट विश ऑल द वेरी बेस्ट, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग।